गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो बुढ़ापा पेंशन को लेकर बहुत बढ़िया खुशखबरी दोस्तों आ चुकी है। तो खुशखबरी जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो करते हैं शुरू। जैसा कि दोस्तों हम सभी को इंतजार था कि बुढ़ापा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, हर प्रकार की पेंशन कब तक हमारे खातों में आएगी। तो दोस्तों आज वो दिन आ चुका है, यानी कि 13 मई को, यानी कि कल शाम को पेंशन खातों में डाल दी गई है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से टच है तो आप उस पर SMS चेक कर सकते हो, जो कि आपके पेंशन के रिकॉर्डिंग हो, उस पर मैसेज आ चुका होगा। लेकिन दोस्तों उम्मीद जताई जा रही थी कि जैसे पिछली बार 18 अप्रैल को पेंशन मिली थी, और इस बार भी जो 18 मई को ही पेंशन मिलेगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने इस बार पेंशन जल्दी डाल दी है खातों में, यानी कि अब 18 की बजाय 13 मई को ही पेंशन खातों में डाल दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद बात करता हूँ जिन्होंने ये मुझे बताया था। तो जहाँ पर सुनील कुमार जी लिखते हैं कि फतेहाबाद ज़िला में कल शाम को पेंशन 2500 रुपये आए हैं जी, और उसके बाद जहाँ पर लिखा हुआ है कि पंजाब नेशनल बैंक में नहीं आई है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक में एक दिन पेंशन लेट डाली जाती है। तो दोस्तों हमारे जहाँ भी जो पंजाब नेशनल बैंक की जो पेंशन है वो एक दिन लेट आती है। तो आज यानी कि 14 मई को ये पेंशन आपके खातों में आ जाएगी। और उसके बाद जहाँ पर गुलशन बम भी लिखते हैं पेंशन आ गई है शाम को, 2500 रुपये ही है। तो दोस्तों आप सभी का बताने के लिए धन्यवाद। और जहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले जो कमेंट आया था, जहाँ पर सबसे पहले कमेंट दोस्तों जहाँ पर राजेंद्र कुमार ने किया था, जो कि अम्बाला से हैं, उन्होंने कहा था कि अभी अभी जो 2500 रुपये का हमें जो SMS मिल चुका है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद बताने के लिए। तो दोस्तों आज आप अपनी जो पेंशन निकाल सकते हो, और पेंशन आ चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।